बच्चे का सुरक्षा होना चाहिए। अब हम काम करने वाले लोग हैं, हमेशा बच्चे को साथ तो नहीं रहेंगे। गेट पे ये जगह सिक्योरिटी अगर टाइट होती तो अंदर घुस ही नहीं पाता पहली बात तो। और ये अंदर घुसा इसका मतलब है कि सिक्योरिटी में कमी है कि पुलिस को फोन कराया, उसके बाद एक घंटे बाद आई है पुलिस। स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन हमें हमारे समझ से हम अपने नजरिए के हिसाब से देखते हैं कि गार्ड की ज़्यादा ज़्यादा भलपाई है। जब बच्चा छोड़ने आते हैं तो 100 में से 70 दिन ही गार्ड हमारे को गेट पे मिलता है। 2 महीने 15 दिन में एक गली में चार बार चोरी हो चुकी है। अभी ये ताज़ा जानकारी मिली है कि उत्तरी दिल्ली के थाना सरायरोला के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक स्कूल के बाहर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला कुछ इस प्रकार था कि स्कूल के अंदर जब स्कूल चालू होना था लगभग 7:50 के बाद की घटना है। एक नशे की हालत में एक नशेड़ी स्कूल के अंदर एंट्रेंस करने की कोशिश कर रहा था। 10-15 कदम बाद ही स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे बाहर कर दिया। और जब उसके बाद यहाँ पर पुलिस कॉल की गई, जो लोगों का गुस्सा है वो इस बात का है कि पुलिस को कॉल करने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर किसी तरह की पुलिस की राहत नहीं पहुँची। यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन द्वारा भी पुलिस को कॉल किया गया था, लेकिन पुलिस वैन PCR नहीं आई। तब जाकर पुलिस यहाँ की जो प्रिंसिपल का है उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ के बीट ऑफिसर को फ़ोन किया और वहाँ पर बीट ऑफिसर आए और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला कुछ इस प्रकार से भी है कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, और लोगों का गुस्सा भी ये है कि इतनी असुरक्षा अगर यदि होती है और उसके बाद भी पुलिस की जो ढिलाई है वो सामने आती है तो लोगों का गुस्सा इसी बात को लेकर है। यहाँ पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, लेकिन पूरी जाँच के बाद ये पता लगा है कि वो व्यक्ति कहीं और से एंटर नहीं किया था स्कूल में, इसी गेट से किया था। हालांकि स्कूल लगने का वक्त था और इसी कारण ही वो व्यक्ति स्कूल के अंदर एंटर तो कर पाया, लेकिन 10-15 कदम के बाद ही स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस की जांच आगे क्या कहती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर चोरी की घटनाएं रोज़ बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन यहाँ पर जो चोरी की वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसे लेकर ही लोगों का गुस्सा है और लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना है। प्रेम कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? 7वीं में। तो आपको इस घटना की पता लगा? अभी हम आइए रास्ते काम पर जाते थे तो देख लिए। तो क्या कहना चाहते हैं? बच्चे का सुरक्षा होना चाहिए। अब हम काम करने वाले लोग हैं, हमेशा बच्चे को साथ तो नहीं रहेंगे। जी ओम कुमार है, 6ठी में है, लड़के के स्कूल में है। बच्चे के सुरक्षा रहना चाहते हैं, उसको मारिए पिटिए ऐसे नहीं होना चाहिए। गार्ड है तो हम लोग का तो घुसने नहीं देते, कोनो काम रहता है तो बोलते नहीं छुट्टी का बाद ही मिलो, फिर ये कैसे घुस गया हो तो गार्ड का कीजिए, टीचर को कब पढ़ाई कीजिए जो क्या हुआ कैसे घुसा। ये जब हम लोग आते हैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने, उसके बाद अगर हम टीचर से मिलना भी चाहें तो भी हमें नहीं मिलने दिया था, कहते हैं आप 1:30 बजे आओ छुट्टी के बाद। नहीं, अभी हमने जो CCTV फुटेज देखी है 10-15 कदम के बाद ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक लिया। सर ऐसा ना कि अगर गेट पर ही पे जाएगा सिक्योरिटी अगर टाइट होती तो वो अंदर घुस ही नहीं पाता पहली बात तो। और ये अंदर घुसा इसका मतलब है कि सिक्योरिटी में कमी है कि पुलिस को फोन कराया, उसके बाद 1 घंटे बाद आई है पुलिस। हाँ आना चाहिए ना तुरंत ऐसी जगह पे, तो जब फोन कॉल हो गई तो आना चाहिए। मैं बच्चों को छोड़ के जा रहा था अपनी फैक्ट्री, तो यहाँ भीड़ लगी, मैंने कहा भाई क्या सारे खड़े थे, क्या चोर है चोर, तो जब मैंने कहा गार्ड से गेट खोलो, गार्ड गेट खोल नहीं रहा था तो गार्ड ने अंदर बंद कर रखा। अब ये पूछना चाहते हैं गार्ड से ये गुस्सा तो घुसा कहाँ से है? स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन हमें हमारे समझ से हम अपने नज़रिए के हिसाब से देखते हैं कि गार्ड की ज़्यादा ज़्यादा भलपाई है। यदि बच्चा छोड़ने आते हैं तो 100 में से 70 दिन ही गार्ड हमारे को गेट पर मिलता है। यदि हम बच्चा छोड़ रहे हैं गेट पे कोई नहीं है तो हम भी अंदर जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ही गलत हूँ, मैं भी तो अंदर जा सकता हूँ। यदि गार्ड हो तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊँ? यदि गार्ड होता तो वो चोर अंदर जाता कैसे? ये गार्ड की 100% लापरवाही है। देखो जी ना, इस रोज चोरियां हो रही हैं, ना पेट्रोलिंग नहीं इतने, असी कल ठाणे सारी सोसाइटी वाले भी गए पर कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई, और रोज हर गली दे विच चोरी हो रही है, रोज मीटर उतर रहे हैं, घर च बढ़ के चोरियां कर रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है इस एरिए दी। 2 महीने 15 दिन में एक गली में चार बार चोरी हो चुकी है।